दिखाते हैं कि कल ममता बनर्जी ने कैसे फिर से जय श्री राम के नारे सुनकर अपना आपा खो दिया और लोगों को खाल उधेड़ने तक की धमकी दे डाली। ममता बनर्जी का काफिला उत्तरी 24 परगना से गुजर रहा था, तभी उनके सामने कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और नारे सुनते ही ममता भड़क गईं। उन्होंने लोगों को धमकी देते हुए कहा कि वो ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसके बाद ममता जैसे ही कार में बैठी, लोगों ने फिर से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। ममता फिर अपनी कार से उतरी और लोगों को धमकाने लगी। उन्होंने कहा कि वो उनके खाल उधेड़ दें। जय श्री राम के नारे से इतनी दिक्कत क्या है और ममता बनर्जी अपना आपा क्यों खो देती है? एक बार फिर से पूरी तस्वीर आप देखिए और फिर समझिए। दीदी गाड़ी पे हमला चली चली दीदी तो गुस्सा ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रहा है, ये दिखा रहा है कि बौखलाहट है। जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है उसके बाद ये बौखलाहट और भी ज्यादा ममता बनर्जी की रह रहकर दिखाई दे रही है। खैर, अब आपको दिखाते हैं कि बिंदापुर में ममता बनर्जी कैसे जय श्री राम के नारे सुनकर भड़क रही थी और उन्होंने लोगों को धमकी तक दे डाली है। देखिए, दूसरे